भी हम अपने मैंडेट की बात कर रहे हैं, आज भी हम अपने चार चार महीने हम पे जो गुजरी है उस चीजों की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा कोई कि ये कर कौन रहा है, ये हुआ कैसे। नहीं, मारे तो हम पहले से हैं मैडम। तो इन चीजों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि आज हमारा निजाम किसके हाथों में। आज एक प्रेजाइडिंग अफसर या कोई कमिश्नर वो हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। हम तो आज इस चीज पे बहस करना चाह रहे थे कि आज हम सेनेट में बैठ के हम इस पे बात करें कि हमने अपना तमाम निजाम, तमाम जमहूरी इदारे जो हमारे हैं, जो जमहूरी हमारा सेनेट है, कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबली है, वो हमने किसी और के हाथों में दे दिए। ये किसी और के रहम करम पे चल रहे हैं और उसके खिलाफ जब तक हम सियासी पार्टियां आपस में वन एजेंडा इस पे बात नहीं करेंगे, इसको आप कैसे आजाद करोगे। आप हम बात कर रहे हैं मैंडेट की, तो आपके मैंडेट किसने चुराया? आपको 90-93 दिए या किसी को एक भी नहीं दिया, तो किसने किया? ये किसी सियासी पार्टी ने तो नहीं किया। हमारा पहले दिन से यही तरीकाकार चल रहा है कि हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं, जो वजीर आजम बनने के ख्वाब देखते हैं और ख्वाहिश रखते हैं, वो उनको कभी यही इदारे मुल्क बदर कर देते हैं, लेकिन बाद में वो आके उनके गोद में फिर बैठ जाते हैं इक्तदार के लिए। उनके बड़े लीडरशिप्स को फांसी दी जाती है, लेकिन आज वो उनके रहमो करम पे अपनी सियासत कर रहे होते हैं। आज जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब के साथ इनका ताल्लुक नहीं था? सही, फिर भी हम सबक नहीं सीख रहे। हमें मसला इस चीज से जनाब चेयरमैन साहब के आज तो कम से कम भुट्टो साहब के जो जियाले हैं, इमरान खान के जो जियाले हैं, नवाज शरीफ के जो जियाले, ये तो कम से कम एक साथ बैठे कि हमारे साथ किया किसने। हम एक एजेंडा पे क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते कि हम इससे जान छुड़ाएं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी इनसे छुड़ाएं। अब मुझे आप एक आईन में ये बताएं जनाब चेयरमैन साहब कि किस आईन में इनको इख्तियार मिला है कि किसी फौजी अफसर के पास सियासतदान जाएगा और पैसे जमा करेगा तो उसको सीट मिलेगी। ये किस निजाम की तरफ हम अपने बच्चों को ले जा रहे हैं? कल हमारी जगह पे हमारे आने वाले नस्लें इस सेनेट में आएंगे तो किस हिसाब से आएंगे? हर किसी के पास अरबों रुपए होंगे तो वो आएगा। एक सियासी कारकुन तो यहां नहीं आ सकता। ना आपका कोई सियासी कारकुन पाकिस्तान में MNA बन सकता है, ना आपका कोई सियासी कारकुन आपका MPA बन सकता है नुमाइंदा, ना सेनेटर बन सकता है। जनाब चेयरमैन साहब, आज आपके निजाम ऐसे देश में पहुंचे हैं, अगर इसको आज भी आप लोगों ने सीरियस कवर नहीं किया, आज भी आपने अपने आने वाले नस्लों के लिए इसको ठीक नहीं किया, तो आप यकीन माने कि पाकिस्तान एक ऐसे रास्ते पे जा रहा है जो खत्म होने वाला रास्ता। यहां पे हमारे सेनेटर साहब ने 3 महीने की बात की कि 3-4 महीने में क्या गुजरा। जनाब चेयरमैन साहब, मैं इस हाउस से पूछता हूं, यहां पे मिसिंग पर्सन के जो हमारी बच्चियां आई, मैं आपको एक मिसाल उनका देता हूं जनाब चेयरमैन साहब, के 5-5, 6-6 साल से उनका या बेटा या शोहर या वालिद मिसिंग है। और ये 5 साल इस चीज पे हमें दुख नहीं होता, दुख इस बात की है कि आप तकलीफ सोचें कि उनको कितनी तकलीफ होगी कि डेली बेसिस पे उनको फोन आता है कि कोई लाश किसी पहाड़ से मिली है। तो जितने लोगों के वर्षा को मिसिंग किया गया होता है वो सारे अस्पताल पहुंच जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं 3-3, 4-4 घंटे लाइनों में, 2-2 दिन उसके इंतजार में कि यार मेरा बेटा तो नहीं होगा, मेरा वालिद तो नहीं होगा। इतने अजियत से हमें गुजारा जाता है, इतने अजियत से बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान बना हमें गुजार रहे इस अजियत से। इसके लिए किसी ने बात की? इन चीजों के लिए बात की किसी ने? आपने मिसिंग पर्सन पे आंखें बंद की तो आज आपके मैंडेट्स मिसिंग हुए, कल आप लोगों के बाकी चीजें मिसिंग होंगी, कल आपका ये निजाम, आपका आइन मिसिंग होगा। जब हमारे बड़े बादशाह खान बाबा जब मुखालिफत करते थे उस पाकिस्तान की, वो इस पाकिस्तान की मुखालिफत नहीं करते थे कि आप पाकिस्तान मत बनाए, ये वाला पाकिस्तान मत बनाए, उसकी ये मौकफ थी कि ये आज जो ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हमने लगाई है, क्या आज ये उसी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का निजाम है? आज हमारा पाकिस्तान इस निजाम से चल रहे हैं जिस मकसद के लिए इन्होंने बनाया था, उस मकसद के लिए चल रहे हैं। आज आपके APS के जो बच्चों को के कातिल है वो GHQ से छुड़ाए गए, आपका सारा निजाम आज यही फौजी निजाम चला रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब? एक तरफ हम सब कुछ देख रहे हैं और एक तरफ इसके खिलाफ हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप खड़े होंगे तो आपको बच्चे को मार दिया जाएगा,
आपने अगर हकीकत बात की आपसे सीट ली जाएगी। हम सारे यहाँ पे मुसलमान ईमानदार लोग हैं, एक दिन आपने पैदा होना है, एक दिन मरना है। ये जब आप सोचेंगे इस हिसाब से आप आएंगे तो आप बात कर सकेंगे। आज भी हम यहाँ रो रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाएंगे। क्यों भाई इलेक्शन के खिलाफ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? जिस इदारे ने यह करवाया उसके खिलाफ क्यों नहीं जाएंगे? जिन इदारों के वॉइस नोट सूबों में निकले हैं पैसे लेते हुए, उनके खिलाफ क्यों नहीं जाएंगे? हमें तो उनके ओरिजिनल नाम नहीं मालूम, जो फेक नाम इन्होंने रखे हैं और बोलियां लगाई हुई 20-20 करोड़ की, उसके खिलाफ क्यों नहीं जाएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा जनाब चेयरमैन साहब कि हम किस निजाम को, किस आइन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक पार्लियामेंट लॉजिस से बाहर निकलते हुए पार्क में एक कुछ बन रहा है तो मैंने पूछा क्या बन रहा है, कहते हैं आइन। मैंने कहा कौन सा आइन? जो हमारे टेबल पे पड़ा होता है वो, या जो इस मुल्क के हकीकी जो चला रहे वो वाला आइन लगाएंगे? एक आइन सेलेक्ट कर ले हम वही पे चले जाएंगे, लेकिन हमें एक आइन की किताब कुछ और दिखाते और पाकिस्तान किसी और तरीके से चला रहे। इन चीजों के खिलाफ हम सियासी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस निजाम को अगर आप इस तरह नहीं बदलोगे तो आपका मैंडेट तो छोड़े, आप अपने साथियों को पैदा नहीं कर सकेंगे। जो बलूचिस्तान के साथ हुआ है वो मिसिंग हर सूबे में आपके पॉलिटिकल लोगों के साथ होगा। हमारी तो यही बातें इस पार्लियामेंट में, हमें एज अ पार्टी बात नहीं करनी चाहिए, एज ए कोलीग्स यहाँ पे हमें एक निजाम लाना चाहिए, हमें ऐसे बिल्स लाने चाहिए कि हम एक साथ हों। और इस पाकिस्तान को अब रेजोल्यूशन की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं कि आज इस एक मोशन पे हम बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की जरूरत है। एक रेवोल्यूशन जिस पे हम तमाम पार्टियां मिलकर उसके लिए करें और इस पाकिस्तान को उन लोगों से आजाद कराएं, तो तब हमारा पार्लियामानी निजाम बेहतर होगा। थैंक यू जी। सेनेटर प्रोफेसर डॉक्टर